हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी बिहार। यहाँ पे ये प्रिया दीदी, ये पी रही है पानी। दीदी आपको कॉन्ग्रेट्स बोले दीदी, मेरे 2K हो गए दीदी। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक्स दीदी। तो अभी मैं हो रही हूँ अपने क्लास के लिए रेडी, फिर मैं उधर से जाऊँगी कॉलेज। और आज ये दीदी बनाएगी ब्रेड ऑमलेट। मैं नहीं बनाऊंगी, ओके मैं बनाऊंगी ब्रेड ऑमलेट। जल्दी जल्दी मैं पूरा रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं जाऊँगी। ये मेरा ऑमलेट प्रोसेस में है, अच्छा है, लगभग लगभग तैयार हो चुका है। गाइज ये रेडी हो चुका है हम लोग का ब्रेड ऑमलेट। यहाँ पे है चाय और यहाँ पे है एज ऑलवेज प्रिया दीदी। तो मेरे ट्यूशन का टाइम हो चुका है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे खाऊंगी आराम से, फिर मैं जाऊंगी। और आज तो मेरे ट्यूशन में टेस्ट है, तो मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। बट सर बोले कि जो नहीं आएगा उसको जलील करेंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खा लेती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे टूहते टूहते चले जाऊंगी, किसी तरह पहुंच जाऊंगी। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? तो अब हम जा रहे हैं अपने क्लास। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड बाबू जैसी सोनी जैसी बच्ची वापस आ चुकी है। जो एक नंबर की सुअर है, एक नंबर की सुअर कुत्ती है, एक नंबर की। कितनी प्यारी हो तुम अपना, बहुत बहुत। चलो अब, प्यारी नहीं है, एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल गंजी चुड़ैल है। गाइज आप देख सकते हैं इस लड़की को, ये यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ने लिखने के लिए नहीं आती, ये एक नंबर की बकथोता लड़की है। हमसे ज्यादा नोट्स लिखवा रही थी, सजू लिखवा रही था, ये लिखो रिया लिखो रिया लिखो रिया, जैसे ये यहाँ पे मुंह ताकने के लिए आई। घर से आके तुरंत दौड़ते दौड़ते कॉलेज आ रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? फिर तुम कॉलेज आई क्यों? ये एक नंबर की ऐसी झूठी बहानेबाज लड़की है, एक नंबर की झूठी और बहानेबाज लड़की है। इसका मुंह देख सकते हैं, जैसे इसका शकल है ना भोला भाला, वही इतनी धूर्त चालाक, और ये चालाक लोमड़ी है एक नंबर की। बस इससे ज्यादा ये है मेरा सुंदर सा असाइनमेंट और ये है इसका। लेकिन आप लोगों को रियलिटी पता है, ये भी इसका ही पेज था जो मैंने इसके रूम से चुरा लिया है। ये कितना सुंदर है ना, पर इसका देखिए और ये अभी अभी मैंने बनाया है यहाँ पे ड्राइंग। आज हुआ है हम लोग का सिर्फ एक क्लास, और आप मेरे क्लास के बच्चों की खुशी देख सकते हैं, कैसे सब दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं। एक क्लास के लिए हम अपने घर से दौड़े दौड़े आ जाए हैं, देखते हैं बिल्कुल। पर एक क्लास हुआ, इसमें ये नहीं दिखा कि एक क्लास तो हुआ कम से कम। आधा रात में, आधी रात में बैठ के असाइनमेंट कम्प्लीट, क्या होगा इसका? इससे कोई उम्मीद नहीं रह गया है, कोई उम्मीद नहीं है। क्लास खत्म होने की खुशी में हम लोग जा रहे हैं पानी पूरी खाने। मेरे बैग में मुझे मिले हैं ये 11 रुपए, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ भिखमंगी भिखारी। इसमें मेरे पास तो 9 रुपए ही थे, 2 रुपए मैंने इससे लिए हैं, लेकिन लेकिन ये लड़की के पास पैसा है, तो आज हम लोग इसके पैसे से खाने वाले, क्या दिक्कत है? दिक्कत ही नहीं है। ये हम लोग को मिल चुका है कटोरी। तो अंशिका का ये चाउमीन लेके फाइनली हम आ चुके अपने लॉज। अभी बज रहा है 2:30 और पानी पूरी खा के मेरा पेट भर गया है। तो दोपहर का खाना तो खाएंगे नहीं, खा भी सकते हैं, मेरे पेट का कोई भरोसा नहीं है वो कब भूख लग जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। और आप इस लड़की को देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया को चॉकलेट खिलाती है हमको छोड़ करके। इसको मेरे से क्या दुश्मनी हो गया आजकल हमको नहीं पता। झूठ बोलने के लिए एक सीमा होती है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पे कितनी सुंदर दिखती हूँ, कुछ भी कुछ भी। कितना अच्छा लाइट आता है। गाइस मैं कॉलेज से आके अभी ड्रेस चेंज नहीं करी हूँ, मैं यहाँ पे प्रिया दीदी के पास आ गई थी। और आपका दीदी तबीयत खराब है, बहुत सुंदर लगता है दीदी, कोई सेंस है इस बात की? एकदम गोरे लगते हैं आप, सही में देखिए। गाइस इनका तबीयत खराब था, बट मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं आई, मैं इनका तबीयत ठीक कर दी, दवाई हूँ मैं, दवाई, हर दर्द की दवा। रिया यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इस घटिया घटिया सी दोस्त को, जो एक नंबर की चंट है, एक नंबर की चंडाल है, एक नंबर की कुत्ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वो दिखा दिखा के डेयरी मिल्क खा रही है, क्योंकि तुम अभी मेरे रूम में। मैंने हर जगह रूम जाकर एक एक कोना ढूंढा, इसका बेड उठा के सारा कपड़ा ऐसे उलट पुलट करके पर्स तक देख लिया, मैंने बैग देख लिया, कंबल देख लिया, सब देख लिया, लेकिन मुझे चॉकलेट नहीं मिला। पता नहीं इसने ऐसी कौन सी जगह पे छुपाई थी अपनी चॉकलेट कि मुझे नहीं मिली। मेरा दूसरा फ्लैट, मतलब होता क्या है कि
हमको मोस्टली तो मिल ही जाता है, ये जहाँ पे भी छुपाती है, ये कहीं भी छुपाती है, इसके पापा इसको चॉकलेट देके जाते हैं तो इससे पहले हमको मिल जाता है वो, ऐसा होता है। कौन से सामान में होगा हम गेस कर लेते हैं, लेकिन आज शायद मेरा थोड़ा सा यू नो दिन खराब था। कोई बात नहीं, होता है होता है। इट्स अ हेडशॉट गाइस, इसने मुझे बहुत जोर से मार दिया गाइस, दो लोग पकड़ के ले गया। तो वो देख करके मुझे लगा कि उस लड़की की जगह मैं भी हो सकती थी, बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वो तूने बस ऐसे किया था तो मैं बच गई। तो भगवान जी आपका थैंक यू गाइज। आप इस चुड़ैल को देख सकते हैं, मैं बस इन लोगों को, आप लोगों को एक चुड़ैल से मिलवाने लाई थी, जो मुझे दिखा करके चॉकलेट खाती है वो अपना चुड़ैल कहलाती है। वाह 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 वाह। तो अभी हम और अंशिका जा रहे हैं, पहले अंशिका का कुछ आधार कार्ड वाला काम करवाना है क्योंकि इसका पैसों से एग्जाम है 12th का, और फिर हम लोग जाएंगे तंदूरी चाय पीने। हम लोग का तंदूरी चाय का क्रेविंग पता नहीं कब शांत होगा, मिलता ही नहीं है यहाँ पे जल्दी कहीं। आप लोग को अगर पता है कि कहाँ मिलता है तो कहाँ है, बहुत ख़राब है यहाँ पे भी। हम लोग बैठ गए, हम लोग को लगा यहाँ पे तो बड़ा बड़ा लिखा है तंदूरी चाय, यहाँ पे सामान नहीं है तंदूरी चाय वाला, लेकिन हम लोग को मिला ये चाय। ये दुख का खत्म होता है, अब अंकल निकाल दिए थे बिना पूछे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही चाय पीते हैं। मतलब देख रहे हैं आप लोग हम लोग का स्ट्रगल, कितने दिन से इस तंदूरी, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि तंदूरी चाय नहीं हो गया, यूपीएससी क्रैक करना हो गया। तो अभी हम लोग आए हैं ट्रेंस, और अंशिका हमको तंदूरी चाय बोल के लाई है ट्रेंस, बट आई डोंट नो व्हाई हमको ऐसा लग रहा है कि लॉज में अपना प्रिया दिलो में टू के होने पे कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। मतलब इन लोग का हरकत देख के हमको प्रॉपर वही लग रहा है। तो लेट्स सी मेरा प्रेडिक्शन कितना सही है, बस लग रहा है ये पर्पसली वो यहाँ पे लेके आई है ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट हो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं मुझे मेरे रूम में घुसने नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग आ चुके हैं बहुत दूर, हम लोग तंदूरी चाय पी के आ चुके हैं, पता नहीं कब मिलेगा, इस जन्म में हम लोग को नसीब होगा भी या नहीं। मैं 3rd floor पे चढ़ के आई हूँ इतना मोटे शरीर के साथ, और ये लोग अपना सो गई क्या, गेट नहीं खोल रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विया के YouTube पे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसी खुशी में हम लोग उसको एक छोटा सा सरप्राइज दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने बलून्स फुला लिए हैं, अभी और फुलाना बाकी है, थोड़ा और डेकोरेशन का आइटम लाना भी बाकी है, और अंशिका को सबसे बड़ा टास्क मिला है रिया को लेके बाहर जाना, ताकि रिया जाए बाहर और हम लोग को मौका मिले डेकोरेशन करने का। रिया कैसे पकड़ती है फोन मेरा, हाथ दुखने का। और ये देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बैलून फुला रही है, और ये सारा बैलून इन लोगों ने ही मिलकर फुलाया है, और डेकोरेशन में हेल्प करेंगी प्रिया दीदी। और आगे क्या क्या, हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक रेड और एक ब्लैक, और समझ नहीं आ रहा है ब्लैक। रिया की फ्रेंड अपर्णा मेहनत करते हुए ताकि रिया देख के खुश हो जाए, और मैंने मेहनत कर ली है, और इसने मेहनत कर लिया है, और मैं वीडियो बना रही हूँ इससे बड़ा मेहनत और करते हुए अपर्णा बिना थके, और ये नंदनी ने 2K बनाया है, और ये रही नंदनी। हाँ मैं ही हूँ नंदनी, क्या करते नहीं उसमें लग रहा था। तो यहाँ 7 बजने को है और हमारा डेकोरेशन अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि हमारा डेकोरेशन ऐसे तो पूरा हो गया पर बलून गिरते जा रहा है बीच बीच में वापस से, फिर लगा रही है नंदनी दीदी और प्रिया दीदी थक गई है, अब उनसे और नहीं हो रहे, पर अब नंदनी दीदी जुगाड़ भी कर ले 2K का हॉस्टल का जुगाड़। हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि हड़बड़ का काम गड़बड़ का, वही चीज हम लोग के केस में भी अप्लाई हो रहा है। हम लोग का एकदम सडन प्लान बना था कि हम लोग डेकोरेशन करेंगे, उसको सरप्राइज देंगे, इस चक्कर में हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं कौन सा बलून लगाए नहीं लगाए। पहले हम लोगों ने वाइट और रेड बलून फुलाए, फिर उसके बाद बलून्स कम पड़ गए क्योंकि अचानक लाया था तो ज़्यादा था नहीं हम लोगों के पास बलून, फिर उसके बाद
थैंक्स टू स्वाति दीदी कि उनके वजह से हम लोग के पास ब्लैक बलून आया, उनका बलून हम लोगों ने यूज करा, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक बलून फुलाया है, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, और वहाँ पे है व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे प्रिया दीदी कहाँ गई, यहाँ पे प्रिया दीदी उसको सजाने का शुरुआत कर दिया, वो डेकोरेशन शुरू कर रही है, हम लोग के पास आधा घंटा है, उसके अंदर फटाफट से सारा डेकोरेशन ख़त्म करना है, तो आगे कैसा डेकोरेशन होता है, हम लोग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है नहीं, ये देखने के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन पूरा हो गया है और रिया भी आ चुकी है, और ये प्रिया दीदी और नंदिनी दीदी ने 2K को 2M को 2 मे केक, सॉरी इसको कटवा नहीं है, कर दिया ये। अब लाइट्स ऑफ करते हैं, आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, इतना ही आता है मुझे बोलने, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन आपको, दो आपके यूट्यूब पे 2K होने का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था कि हम लोग थोड़ा अच्छे से करें, लेकिन आपके यूट्यूब पे 2K होने का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था कि हम लोग थोड़ा अच्छे से करें, लेकिन पता नहीं टाइम कम था, हम लोग को बहुत हड़बड़ाहट हो रही थी, देखिए रास्ते में के बेटे फोन उठाया, उसमें हम लोग चला रहे थे, मेरा तो हाथ ही थर थर करने लगता है। तुम यहाँ पे गाना लगा लेना, हम लोग नहीं बोलेंगे। थैंक यू, कैंडल नहीं जला, कैंडल जल आने वाली बहुत अच्छी थी ना, इसलिए नहीं जला के छोड़ दी। मेरी बेटी अभी छोटी है, छोटी है, तुम्हारी बेटी बेच देगी लोगों को, सबसे पहले फुआ को बेचना है, वही तो लोगों को, अरे एक एक करके जला, मैं खरीदूंगी उसको, फिर मैं उसे काम करवाऊंगी, चलिए अब इसको घर में झाड़ू मारे हैं बैठ के, और क्या कर रहे हैं हम। गाइस अपना कितनी अच्छी है अपना, मैं ऐसे ही रोज 2K सेलिब्रेशन करूंगी। मेरा तो फोन प्लीज कम, अपन अब तुम प्रिया दीदी का ले लो अच्छा सा, छोटा छोटा बाइट जल्दी जल्दी खिला दो, फिर बड़ा बड़ा तो खाना ही है हम लोग को। पता है अंशिका, अंकल कपड़ा लगाए हैं हम लोग के रूम में वेंटिलेटर, पगला तरीका देखिए। तो सब कुछ अभी हो चुका है, और वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच, और अपना प्रिया दीदी, नंदनी दीदी, अंशिका, स्वाति दीदी, उनका भी कंट्रीब्यूशन था, और रानू मैंने तुम्हें थोड़ा सा मिस किया आज, मैंने तुम्हें मिस किया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हें मिस किया, मुझे तो लगा था कि तुम सुहैनी बन के इधर उधर टहल रही होगी, लेकिन मैंने तुम्हें मिस किया। सो बस आज के लिए इतना ही, होप यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू बाय, लव यू ऑल वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इनको देख सकते हैं, इनको खाना था स्पाइसी चाउमीन, तो स्पाइसी देखिए, तो ये बोली भैया को स्पाइसी चाउमीन बना के देखनी, तो स्पाइसी के नाम पे वो बना करके इसके ऊपर मिर्च पाउडर छिड़क के दे दिए, जिससे इन बिचारी का हाल हो गया ये। फिर भी देखिए खाने का, स्पाइसी खाने का जुनून देखिए, कि इतना तीखा होने के बावजूद हम लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नाक पोछ पोछ के दीदी खाए जा रहे हैं ये। सो अब इस व्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं,
If you guys like the video, please like, share, comment and subscribe. Thank you. Bye-bye. Thank you for 2K subscribers.